लोकसभा चुनाव में मिली हार को ज्योतिरादित्य सिंधिया भुला नहीं पा रहे, ये हम नहीं वे खुद कह रहे हैं। शिवपुरी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजों से वे दुखी हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता से उनका संबंध हमेशा रहेगा। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व में भी कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों से अपने मन की बात कह चुके हैं, एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया। संबंध है क्षेत्र के साथ और वास्तविकता है कि जो नतीजे आए हैं उससे हृदय में चोट तो है पर संबंध भी है, और इसलिए चाहे अशोकनगर में जब अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई या ये घटना यहाँ घटी हो, और रात में ही आके जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, जो मेरी हैसियत है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इतना मैं केवल आपको कह सकता हूँ कि मुझसे आप कोई कमी नहीं पाओगे। अब मेरा कोई लेन देन का तो रिश्ता है नहीं, मेरा हृदय का संबंध है। जब कोई घटना घटती है, मैंने सदैव कहा है कि सुख में मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगा, लेकिन दुख में मैं आपके साथ रहूँगा। और जो घटना घटी है, चाहे अशोकनगर की रही हो, चाहे थापखेड़ी की रही हो, मैंने कोशिश की है कि जो मैं कहता हूँ मैं करके दिखाऊँ, और आपके समक्ष में, जनता के समक्ष में तब भी उपस्थित था अशोकनगर में, कहीं और प्रदेश में जाने के पहले मैं पहले अशोकनगर में आया, उसके बाद मैं मंदसौर गया, उसके बाद मैं नीमच गया, उसके बाद मैं रतलाम गया, उसके बाद मैं उज्जैन गया, उसके बाद मैं मुरैना गया, उसके बाद मैं भिंड गया। और जब ये घटना घटी है, आकर ही मैंने कोशिश की है जो भी इन दोनों हाथों से हो पाए मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ भी एक तरीके से अब दुख की बात है पर जनता ने ही मान दिया। चर्चा में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे से दिल में दुख है, पर मैं क्षेत्र के लिए अपना काम करता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, शिवपुरी।